हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं पार्लर आ गई हूँ। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। और जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है। और मैं ना घर पे मॉर्निंग में ही वीडियो स्टार्ट करी थी, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़ोरों से म्यूज़िक चल रहा था। शायद क्रिसमस पार्टी की सारी प्रिपरेशन चालू थी लगता है। तो इतने ज़ोर से मैंने दो बार वीडियो स्टार्ट किया और दोनों बार मैंने फिर मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि म्यूज़िक आ जाएगा तो कॉपीराइट आएगा। तो मैंने सोचा मैं पार्लर पे जाके स्टार्ट करती हूँ। तो इसके पहले ना मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, मेरा इसका गूगल का पिन आने वाला था। 3 महीने हो गए गाइस, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और सच में पिन आया ही नहीं। तो पोस्टमैन को पूछा तो बोलता है नहीं आया है। तो अब मैं सेकंड टाइम रिक्वेस्ट भेज रही हूँ पिन के लिए, और बस भगवान करे मेरा पिन आ जाए तो मैं आगे की प्रोसीजर कर सकूँ। और गाइस थैंक यू, इतना मुझे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो, और इतना मुझे प्यार देने के लिए बहुत 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 खुश हूँ मैं आप सबको पाके। तो गाइस चलिए अब मैं अपने काम पे लगती हूँ। और आज मम्मी की यहाँ पूजा है सत्यनारायण की, तो वो वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगी और सत्यनारायण भगवान का दर्शन कराऊँगी। और मैं और अतिथि आ गए हैं पार्लर पे, और चलिए मैं अतिथि को मिलवाती हूँ। आ जा इधर। तो ये है अतिथि और हम अभी जाएगी मम्मी के यहाँ। तो बस अब गाइस क्लाइंट आ गई है, तो अभी मम्मी के यहाँ जा रही है। और मम्मी के यहाँ जाने के लिए मैंने थोड़ा सा नाश्ता लिया है, समोसे लिए हैं और वाटरमेलन है, जो हम लोग दोपहर को खाने के बाद खाएंगे, क्योंकि आज वापस से मम्मी के यहाँ ही खाना है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा है तो वहीं खाएंगे खाना। और अतिथि के कान के मैंने पिना दिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम, आपको पता ही है, एग्ज़ाम के टाइम पे उसके कान के मैंने निकलवा दिए थे, तो आज मैंने उसमें ऑयल लगा के दूसरे कान के पहने हैं। ये टेम्पररी पहने हैं, अब मैं गोल्ड के वापस लूँगी, टाइम मिलेगा वैसे, पर अब मुझे लगा कि छेद बुझ जाएगा, इसलिए मैंने ये तेल लगा के डाल दिए। थैंक गॉड गए अंदर, इतना डर रही थी मैं। तो गाइस मिलते हैं मम्मी के यहाँ जाके थोड़ी देर के बाद। उसके पहले मैं आपको वाटरमेलन दिखा देती हूँ कितना मस्त है। चलिए, तो ये वाटरमेलन ले लिया है मैंने और हम दोपहर को खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है वाटरमेलन। अरे साक्षी पार्लर पे मिलने को आई है मुझसे। और पूजा, हाँ साक्षी हाय कर रही है आपको सबको। और पूजा हो गई, देखिए उसने टीका लगाया है। साक्षी पूजा हो गई? हाँ हो गई। हाँ तो बोलो सबको, आओ हमारे यहाँ, आओ हमारे यहाँ दर्शन करने, प्रसाद लेने। तो गाइस चलिए मैं चलूंगी तो आपको दर्शन कराऊंगी जरूर से। ओके मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये है अतिथि को नई वाली, अरे चूड़ी स्क्रीन से ऊपर जाए, नई वाली चूड़ी जो जयपुर से लेके आई है। और चूड़ी खरीदते वक्त ना क्या हुआ गाइस, के उसने पहन, वो जिसने पिनाई वैक्स नहीं किया है, देख वैक्स का, वैक्स क्यों नहीं किया, वो चूड़ी पिनाने वाली ने चूड़ी पिना दी अच्छे से। नहीं मत बोलो ना, अरे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। तो कल आपने पूजा का दर्शन किया ना, तो अभी जय जा रहे हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी सब्जी, थोड़ा सा सब्जी में, ये भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने सुबह सुबह, अभी बजे हैं 6:30 और जय की 7:30 की ट्रेन है, तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में। तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बना लिया है और अब पता नहीं चाहिए वापस जल्दी कब आएंगे। अतिथि है तो जल्दी आएंगे, नहीं तो वो तो 15 दिन में एक बार आते हैं, पर इस बार जल्दी आ जाएंगे। अतिथि है तो अतिथि से मिलने, क्योंकि अतिथि सिर्फ 15 दिन के लिए है ना। तो और गाइस भिंडी की सब्जी देखिए कितनी मस्त दिख रही है।
ओके रेडी। कितना लेट करते हो? दीदी को ये फोन उठा रही है। हाँ चलो मेरे व्यूअर्स को बाय कर दो। बाय किया नहीं है दीदी। चलिए गाइस जय जा रहे हैं। हेलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। अब मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पे, काम पे। ओके बाय, सी यू गाइस। तो चलिए गाइस मैं जय को चाय देती। तो गाइस फाइनली जय चले गए हैं और यहाँ देखिए पूरी हरियाली छाई हुई है। ग्रीन ड्रेस पहना आती थी ने। तो गाइस जय अब पता नहीं कितने दिन की छुट्टी लेके आते हैं और हम लोग अब पार्लर जाने के लिए बहुत लेट हो गए हैं। तो चलिए फिर आगे आगे आपको बताती हूँ कैसे क्या करती हूँ। और भिंडी की सब्जी इतनी मस्त बनी है ना गाइस। चलिए तो पार्लर के लिए निकलती हूँ मैं पहले। तो गाइस हम दोनों रेडी हैं पार्लर पे जाने के लिए। और अतिथि पापा गए तो अच्छा नहीं लग रहा है ना थोड़ा। पापा बोले थे फोन करने को लेकिन अब मुझे फोन करने को टाइम नहीं है। मैं पहले पार्लर पे पहुंचती हूँ, तब तक जय भी सिलवासा पहुंच जाएंगे तो बाद में हम लोग फोन करेंगे। ओके बेटा चल। गाइस कल है क्रिसमस और देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है एकदम से। तो चलिए अब निकल रही हूँ घर के लिए। रास्ते में अतिथि को एग्जीबिशन दिखाऊंगी और खाना लेंगे। और देखिए ये हरियाली छाई हुई है हमारे यहाँ पूरी तरह। और चलते हैं घर पे। और बहुत बहुत टायर्ड हो गई थी, एकदम थक गई थी। माय गॉड मैं चिंगू चिंगू है। ये कौन बोलेगा इतनी बड़ी डॉक्टर बच्ची है। तो गाइस चलिए खाना क्या लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ओके बाय, मिलते हैं थोड़ी सी देर में फिर से। आप बोलोगे सुबह से क्या कर रही थी। अरे सुबह से बहुत बिजी थी मैं गाइस। तो गाइस हम लोग फिर से एग्जीबिशन में आए हैं और थोड़ा सा अतिथि को मैं घुमा देती हूँ एग्जीबिशन। मच्छर आ रहा है तो चलिए एग्जीबिशन में चलते हैं। अभी आप चल रहे हो मेरे साथ, आपको भी दिखाती हूँ। उसकी आंखें क्या चमक रही। शैडो, क्या नाम है इसका? शैडो। अरे वाह, अरे इतना उसको नहीं आना है भाई। वीडियो में नहीं आना है उसको। गाइस देखिए कितनी सुंदर कैट है, उसका नाम है शैडो। देखो कितना अच्छे से खा रही है, आइसक्रीम खा रही है। गाइस तो अभी मैं खाने का पार्सल लेने के लिए बैठी हूँ और बहुत लेट हो गया, रात को 11 बज गए हैं। तो अभी कहाँ से खाना बनाऊँगी घर जाके, तो वहाँ से ही पार्सल ले लेती हूँ। तो ऑर्डर दे दिया है और आपने देखा ना वो कौन था, शैडो। शैडो कितनी अच्छी थी, उसका नाम है शैडो माओ का, वो कितनी अच्छी थी। तो गाइस मैंने ऑर्डर में दिया है एक वेज बिरयानी
और अतिथि ने थोड़ा बहुत कुछ नॉनवेज लिया है, मेरा तो वेज है क्योंकि मार्गशीर्ष महीना है। गाइस पार्सल आने तक वेटिंग चल रहा है हमारा। तो गाइस देखिए हम लोग ने इस तरह से मोजड़ी ली है, ये मेरी है और ये अतिथि की। 200 रुपीज की ये मोजड़ी मिल गई है मुझे और अच्छी दिख रही है देखिए। और इतनी कंफर्टेबल है ना गाइस, इतनी नरम नरम है, मस्त। तो आपको कैसी लगी ये मोजड़ी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अतिथि की अच्छी है कि मेरी अच्छी है, दोनों की अच्छी है। इयररिंग्स लिए हमने, एक है वाइट कलर में और ब्लू कलर में, 50 रुपीज़ के मिले हैं ये, अच्छे लग रहे हैं। डाल के भी देखे अतिथि ने, पहन के तो अच्छे लग रहे थे। और ये है हम लोग का खाना, मैंने वेज बिरयानी ली है, अतिथि ने अपना नॉन वेज कुछ लिया है। और गाइस ये मैंने एक मटका कुल्फी लाई है, मैं आपको निकाल के दिखा। देखिए गाइस ये है मटका रबड़ी, मटके में है ये पूरी, और ये बहुत टेस्टी, उस दिन भी मैंने ली थी, बहुत टेस्टी थी, पूरा मटका है ये। तो आज मैंने सोचा अतिथि को खिलाती हूँ, और मुझे एक दिन ये मम्मी के लिए भी लेके जानी है। आज मैं पूछना भूल गई उसको कि मैं रात को अगर फ्रिज में रखूँ और सुबह लेके जाऊँ तो चलेगा क्या, कल पूछती हूँ। ओके तो मम्मी को भी मैं ये रबड़ी ज़रूर से खिलाऊँगी, मुझे बहुत बहुत दिन से दिल है। और उसके बाद हमने लिया है ये आम पापड़, आम पापड़ लिया गाइस, ये 20 रुपये में आया है, 20 रुपीज़ का। तो मैंने 2 पीस ले लिए आम पापड़ के, और ये केले की वेफर लिए, ये केले की वेफर लिए हैं, ये 50 रुपीज़ की आई है। तो गाइस चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और डिनर एंजॉय करती हूँ अपना अतिथि के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा। और आपको शेडो कैसा लगा, जो मैंने पुशीकैट दिखाई थी आपको, वो कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।